कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू मैन ऑफ द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस ये माइनक्राफ्ट का मेरा दूसरा वर्ल्ड है, वो पहले वाला वर्ल्ड में बहुत तहस महस हो चुका था भाई। वो क्रीपर फूड वूड के भाई सब खत्म हो चुका था भाई, इसलिए मैंने दूसरा वर्ल्ड करा है। ये वर्ल्ड उसको मैंने ये वर्ल्ड थोड़ा एक्सप्लोर किया और मैंने कुछ सामान लिए जैसे हेबेल सॉरे वो ऊड और ये सब दो 90 मुझको मिला, 90 ब्रेड और प्लैंक्स स्टिक्स ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने दो चीज़ देखा है बहुत खतरनाक है भाई, आप देखोगे तो पागल हो जाओगे भाई, पागल तो नहीं होगे भाई। इतना ओपी चीज़ मुझको मिला है, आपको मैं पहले दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा टूल्स बना लूँ, पिकेक्स और एक्स करा लूँ क्योंकि भाई मेन चीज़ है। उसके बाद वुड कलेक्ट करने के जाएंगे, इसके आगे एक वुड फॉरेस्ट है, उसमें ब्रिज और वुड दोनों है, मतलब ब्रिज और वुड मतलब बोल ओक और ब्रिज है, वो चलते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं भाई। चलो गाइस मैंने स्किप कर दिया था और उसको मिल चुका है 11 वुड। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमको पहले बनाना है, जल्दी जल्दी से बनाना है हमको आयरन का चीज़ें। तो मैं दूसरे वीडियो में बनाएंगे कुछ तो करेंगे, पहले कलर कर लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और ये वो घोड़ा क्यों खा खा कर रहा है भाई, दिमाग ख़राब कर रहा है भाई। आपको तो आवाज़ नहीं सुन रहा होगा पर यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रहा है भाई, ब्लेजर एनिमल्स की आवाज़ भाई, इसलिए चलते हैं। आपको दिखाऊँगा मैं वो चीज़ जो मैंने बोल रहा था। चलो तो गाइस मैंने स्किप कर दिया था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कराना चाहता, इसलिए चलते हैं आगे। वो आपको दिख जाएगा अभी, तो देखो भाई आपको पता चल गया होगा डेजर्ट में क्या मिलता है हम लोगों को। और एक वो चीज़ है वो जहाँ पर मिलता है, तो देख लो भाई यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल, फिर मैंने देखा नहीं है ठीक है। आपको मैंने दिखाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा था और उसके बाद मैं आ गया और वहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया है ठीक है। तो गाइस पिकेक्स बना, इस यही चीज़ के लिए मैंने पिकेक्स को बनाया था। अब चलते हैं नीचे तोड़ के। चलो भाई थोड़ा वेर लग रहा है भाई, यहाँ पर कोल भी मिल चुका है हम लोगों को और स्टोन भी मिल चुका है। ओपी बोलते भाई एक पिकेक्स स्टोन पिकेक्स बनाने के काम आ जाएगा। देखो भाई चेस्ट दिख चुका है, पहले यहाँ पे लगा लेते हैं टॉर्च, पहले बना लेते हैं ये पूरा कोल का बना लेते हैं टॉर्च, उसके बाद यहाँ लगा लेंगे पहले और उसके बाद तोड़ लिया जाए क्राफ्ट के प्लेस्टर प्लेट। और उसके बाद देखो भाई चार डायमंड मिल चुका है भाई, चार डायमंड ओपी भाई ओपी भाई। एक सैडल मिल चुका है, 9 बोन मिल चुका है और 11 सैंड मिल चुका है और 6 गन पाउडर मिल चुका है भाई। TNT बनाने के काम आएगा, नेदरराइट ढूंढने के वक्त काम आएगा। और गोल्ड भी मिल चुका है, 4 गोल्ड और मिल चुका है हम लोगों को गन पाउडर और मिल चुका है थोड़े बहुत बोन और 12 बोन हो चुका है। और सड़ा हुआ मांस भी मिल चुका है हम लोगों को, 3 सड़ा हुआ मांस यहाँ भी बहुत सारे है। और भाई यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है 18 बोन मतलब मिला के बोन और 2 सड़ा भी मिल चुका है और फिर से सड़ा हुआ मांस और इसको क्या बोलते स्ट्रिंग भी मिल चुका है। और इसके बाद भाई सबसे खतरनाक वाला भाई 4 डायमंड मिल चुका है, इससे हम एक पिकेक्स करा लेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे एक डायमंड का। और भाई 20 गन पाउडर मिल चुका है और स्ट्रिंग भी मिल चुका है थोड़े बहुत और 2 एमरल भी मिल चुका है। और चलते हैं पहले कर लेते हैं TNT, पहले बाद में काम आएगा आपको पता होगा किसके लिए कर रहा हूँ मैं भाई। नेदरराइट के लिए कर करूँगा भाई, सेकंड वीडियो में भाई फुल आर्मर बनाएंगे या फिर कुछ करेंगे। चलो भाई चलते हैं ऊपर भाई, चेस्ट खुल गया था सॉरी गाइस फॉर द मिस्टेक। चलो गाइस ब्लॉक लगा के ऊपर चलते हैं और ये ऑरेंज टेराकोटा भी लगा लेते हैं और सैंड भी लगा लेते हैं, सैंड तो बहुत सारा है इधर। चलो भाई ऊपर चलते हैं, मैं आपको सेकंड सरप्राइज दिखाऊंगा भाई। चलो भाई यहाँ से मैं स्किप करता हूँ।
चलो भाई आपको दिखाता हूँ, दिख जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखो भाई दिख चुका है ये सैंड का, मैंने ऐसा कराया था क्योंकि दिख जाए सिग्नल हो जाए कि इधर है ये, इसलिए भाई मैं ऐसे करके सैंड तो ऐसे तोड़ तोड़ के जा रहा था, और सैंड एक तोड़ा तो पूरा नीचे गिर गया, और ये मुझको मिला। देखो भाई मिला मुझको एक स्पॉनर भाई। सभी बोन मिल चुका है, एक बकेट मिल चुका है, और एक एन्चेंटमेंट बुक मिल चुका है शार्पनेस 2 का, अच्छा है, और एक ब्रेड मिल चुका है। और बकेट को कर लेते हैं कलेक्ट, उसके बाद दूसरे वाले चेस्ट में भी देखते हैं क्या है उस पे। तो गाइस उस पे है एक सीढ़ी कैट नाम का, और 40 बोन हो चुके हैं वहाँ से भी मिल चुका है। और हमको मिल चुका है एक गोल्डन एप्पल भाई, और यहाँ से भी सड़ा हुआ मांस मिल चुका है। पहले सड़ा हुआ मांस को कलेक्ट कर लेते हैं, और एक और बकेट मिल चुका है। तो गाइस आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा आवाज़ भी थोड़ा बदला बदला हुआ आ रहा होगा। तो गाइस ये तोड़ लेते हैं, उसको यार कोने से जाना है भाई, फिर से इधर से हो गया भाई। चलो गाइस कोने से ऊपर चलते हैं, उसके बाद इसको तोड़ के फिर चलते हैं भाई, इसको तोड़ लेते हैं। चलो गाइस इसको एक बचाए, उसको भी तोड़ लेते हैं और चलते हैं घर की ओर। भाई यहाँ से मैं फिर से स्किप करने वाला हूँ, ठीक है गाइस, मैंने स्किप कर लिया। और चलते हैं यहाँ पे एक है रिवर, और ये रिवर के ढूँढ के चलते हैं भाई। यहाँ हमको मिल चुका है ड्रिप स्टोन, क्या बात है भाई, बाद में कलर कर लेंगे, अभी तो काम कुछ काम का नहीं है भाई। शाम होने लगी है, चलते हैं सोने। और भाई अब मैं सोने के बाद मिलूँगा आपसे। चलो भाई पहले पानी कलर कर लेते हैं, दोनों में पानी भी कलर कर लिया, इसके बाद आपको स्क्रीन करके सीधा सोने के बाद दिखाऊंगा। चलो गाइस हो चुके सुबह, मैंने स्किप कर दिया था, और चलते हैं इसके नीचे। यहाँ पे एक केव, केव जैसा तो लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है खोल, खोल को कर लेते हैं कलेक्ट, अभी फर्नेस के काम आ जाएगा। और थोड़े स्टोन, 3 स्टोन को भी कलेक्ट कर लेते हैं, एक पिकेस करा लेंगे, जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। चलो गाइस बना लेते हैं एक स्टोन की पिकैक्स, वुडन पिकैक्स को हम रख लेते हैं इन्वेंटरी पर, जो अभी तो इसका काम कुछ नहीं है। तो गाइस इस स्टोन की पिकैक्स से कलेक्ट कर लेते हैं कोल को, और कोल को कलेक्ट करने के बाद चलते हैं नीचे केप के अंदर। आपको यहाँ से मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है गाइस। One eternity later. चलो गाइस मैंने कर लिया सब कोल को, मतलब तोड़ लिया, अब उसको कर लेते हैं कलेक्ट। उसके बाद चलते हैं नीचे, नीचे कहें केव, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, ठीक है। चलते हैं नीचे, नीचे भाई एक विलेजर है, उसके आगे चलते हैं भाई। हम लोगों को मिल चुका है आयरन कोल बोलता हूँ, सॉरी गाइस, इधर उधर हो जाता है भाई। चलो गाइस कलर कर लेते हैं इसको, उसके बाद चल लेंगे नीचे, पहले इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ से हमको लोगों को मिल चुका है 6 आयरन आय प्रो आयरन। उसके बाद चलते हैं आगे भाई, यहाँ पे मिल चुका है हम लोगों को आयरन, उसको भी कलर कर लेते हैं। वो भाई कोई भी मिला है उधर, वो भी ले लेते हैं भाई। एक और उसको भी कलर कर लेते हैं भाई, 10 हो चुका है, एक इधर भी गिरा था, और भाई 11 हो चुका है। अब इसको कोल को भी कलर कर लेंगे, और ये कोल को कलेक्ट करने के बाद बना लेंगे फर्नेस। फर्नेस बनाने के बाद उसको कर लेंगे हम, क्या करेंगे फर्नेस बना के उसमें डाल के कोल, उसको स्मेल्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो ये स्मेल्ट करते हैं आयरन को, पहले सब में रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसमें भी 2 रख लिया, 3 रख लिया, उसमें रख लेते हैं कोल, इसको रख लेते हैं। और उसके बाद आपको मिलूँगा, यहाँ से स्किप कर लूँगा भाई क्योंकि फर्नेस में बहुत ज़्यादा वे लगती है, इसलिए गाइस सॉरी फॉर दैट।
चलो गाइस मैंने सब आयरन कर लिया और ये एक फर्नेस बचा है उसको भी तोड़ लेते हैं। उसके बाद ये क्राफ्टिंग टेबल को भी कलर कर लेते हैं और चलेंगे ऊपर भाई। अब ये मैं तोड़ लिया, चलो गाइस चलते हैं ऊपर और उसके बाद बना लेंगे थोड़े आयरन के टूल्स। आयरन के टूल्स बनेंगे, अब उसको पता है क्योंकि भाई 11 आयरन है, 11 आयरन से क्या होगा भाई, कुछ बना है अब तक। चलो गाइस तो आ चुका हूँ ऊपर, बना लिया मैंने सब आयरन के सामान, इसे बना स्वॉर्ड पिकेक्स और एक्स और उससे बचाया अभी 2 आयरन और चलते हैं आगे। चलो गाइस चलेंगे एक बनाएंगे छोटा सा घर, बनाएंगे तो नहीं मतलब एक अच्छा सा घर ढूंढते हैं टेम्पोररी के लिए, बाद में बनाएंगे एक घर। ये घर तो बहुत छोटा है भाई, थोड़े चेस वेस रखने के लिए तो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ से बेड कर करके चल लेते हैं दूसरे वाले घर पर। इसका साइड वाला घर तो अच्छा लग रहा है भाई, टॉर्च वोर लगा के इसको गया लेते हैं अपना घर टेम्पोररी का, ठीक है भाई। परमानेंट घर तो खतरनाक बनेगा भाई, यहाँ रख लेते हैं एक बेड, ठीक है गाइस। और ये चेस्ट को फोड़ लेते हैं, उसके बाद रख लेते हैं इधर और यहाँ पर रख लेते हैं अपना सब सामान जो अभी हमारे लिए काम का नहीं है। चलो गाइस ये सब रखने के बाद आपसे मिल, तो चलो गाइस मैंने रख लिया सब सामान। इस वीडियो के लिए सब इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सब दोस्तों को और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।